महिमा आज विद्या को टॉपिक मिला है, सत्संग की महिमा। विद्या अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएगी, और जितना ये लिखा है विद्या ने कि सत्संग की महिमा अपरंपार है, जो भी व्यक्ति सत्संग में जाता है उसके जीवन में परिवर्तन तो आता ही आता है, साथ साथ उसके परिवार वालों पर भी उसका असर पड़ता है धीरे धीरे। सत्संग विद्या ने, विद्या के हस्बैंड तो हैं ही सत्संग में, उन जागृति में हैं, तो उन पर तो दिखता ही है, पहले से दिखता था। और सत्संग में, जब विद्या सत्संग में गई है, तो उनका जो विद्या के हस्बैंड का एक्सपीरियंस है वो विद्या को दिख रहा है, और विद्या की बेटी पर भी इसका फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जय राधा माधव सुनने के लिए वो अभी बैठी हुई थी, उसे बड़ा मजा आ रहा था, और राम रमेती का जो वो जाप करती है, और विद्या के रिलेटिव्स को बताया है, और विद्या का बर्थडे था तब से जय राधा माधव का सबके सामने गाया था, तो सब लोग उसे देख रहे थे, और उसको देखने के बाद विद्या को देख रहे थे कि इसकी बेटी को इतना ये याद कैसे हुआ है। तो ये किससे है, आप जिस तरह प्रभु जी आप बताते हैं ना, अगर माँ सत्संग में जाती है तो बच्चे भी सत्संग में जाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो उस पर, उन पर असर होता है। और ये सत्संग में सीखते हैं जो कि गुरु जी आप हमें सिखाते हैं, दूसरों में दोष ना देखें, निंदा ना करें, और धीरे धीरे जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। सत्संग से हम दूसरों के दोष ना देखकर हम खुद के दोष देखने लगते हैं, तो ये सब हमें जागृति सत्संग से ही मिलती है। नहीं तो हम अपने भौतिक जीवन में इतने बिजी होते हैं। आज भी विद्या इतना बिजी थी कि दोपहर के टाइम में सत्संग को अटेंड करने के लिए भागना पड़ रहा था, माना काफी शुरू से नहीं अटेंड कर पाई थी, बीच में हुआ था। तो जिस तरह से शुरू से अटेंड करने की कोशिश करना चाहती है कि विद्या जितना हो सके शुरू से अटेंड कर। और इस पर एक स्टोरी भी विद्या ने सुनी थी कि एक चोर था, उसकी उम्र का अंत समय आ गया था, तो वो अपनी पत्नी को समझा के जाता है कि मेरे बेटे को कभी भी सत्संग नहीं जाने देना, उसको यही सिखाना, मैं उसके लिए आज चार उपदेश तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि कभी भी सत्संग जाना नहीं चाहिए, सत्संग वाले लोग चोरों की बुराइयां करते हैं, और सत्संग में हमें जो भी सिखाया जाता है वो हम चोरों के लिए उल्टा रहता है। तो उसकी माँ समझ जाती है, वो बोलती है ठीक है मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे ये बता दूंगी। तो उसके पिता तो मर जाते हैं चोर के, जब वो चोर बड़ा होता है तो अपनी माँ को बोलता है कि कोई कमाने वाला नहीं है, मैं जाऊँ कुछ काम करने, तो उसकी माँ बोलती है काम करने नहीं जा, हम लोग चोर हैं, हमारे प्रोफेशन ही हमारा, तुम्हारी परंपरा है चोरी करने की, तो तुम चोरी करना। तो कहता है ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है पर तुम्हारे पिताजी कुछ बातें बता के गए थे, वो याद रखना, कभी भी सत्संग नहीं जाना, अगर सत्संग के आसपास भी रहो तो अपने कान बंद कर लेना, सत्संग के एक भी शब्द अपने कान में जाने नहीं देना। वो बोलता है ठीक है, और वो सत्संग में जो भी सुनाते हैं वो हमारे लिए उल्टा होता है। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे जिधर भी सत्संग ही दिखा या सत्संग सुनाई भी दिया तो मैं वहां से दूर भाग जाऊंगा। वो वहां से ऐसी बात करके और वो चोरी के लिए निकलता है, चोरी करने के लिए राजा के महल में घुसता है, वहां से चोरी करके भाग रहा होता है, तो सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो भागता है तो देखता है शॉर्टकट का रास्ता होता है, वहां सत्संग हो रहा होता है। तो ये बोलता है नहीं नहीं मेरे पिताजी ने मना किया था मुझे सत्संग की तरफ से जाना नहीं है। तो फिर कहता है अगर लॉन्ग कट जाऊंगा तो पकड़ लेगी पुलिस। तो वो शॉर्टकट के रास्ते से कहता है ठीक है कान में उंगली डाल के भागता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, सुनाई थोड़ी देगा। तो वो इस तरह से वहां से भागने की कान, दोनों का हाथ कानों पे रख के भागता है वहां से, तो उसके पैर में पत्थर अटक जाता है और वो गिर जाता है। तो उसके कान में ये आवाज सुनाई देती है कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। तो ये सुन के कहता है अरे मैंने क्या सुन लिया, फिर वहां से फटाफट भागने की कोशिश करता है, पर सैनिकों से पकड़ लेते हैं, तो उसको जेल राजा के पास लेके जाते हैं, भैया हम चोर पकड़ के लाए। और उसको एक ये बात भी बताई थी उसके पिता ने कि कभी भी चोरी करके ये बात स्वीकार मत करना कि चोरी मैंने की है, उस पे अटल रहना चोरी मैंने नहीं की है। तो राजा के सामने ये बात बोलता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है, वो तो मैं जा रहा था सत्संग के लिए और ना वहां धन पड़ा हुआ लेने के लिए मैं झुक रहा था तो मैं गिर गया, तो आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया, मैंने चोरी नहीं की। राजा बोलता है नहीं सच बताओ, बोलता है नहीं मैंने चोरी नहीं की। तो इस बात के लिए उसे बहुत बहुत बोला जाता है तो वो स्वीकार ही नहीं करता है। तो एक स्त्री वो वहां सत्संग के लिए जा रही थी, तो वो बोलती है नहीं मैंने देखा था इसके हाथ में धन था, राजा के महल का ही धन था और ये झूठ बोल रहा है। तो राजा बोलता है अब आप बताओ कि किस तरह से इसके मुंह से सच उगलाया जाए। तो वो बोलती है ठीक है मैं इस बात के लिए भाई कुछ आप मेरे मुझे साथ दीजिए तो मैं इसके मुंह से सच उगलवाऊंगी। तो वो स्त्री इस तरह से बन के जाती है, माता का रूप, बाल खुले हुए, उसके हाथों में अस्त्र, भाई जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, उसे जेल में रखा जाता है। तो वो रात को देख के डर जाता है, तो कहता है ये तो माता रानी है और ना मुझे इनसे सच बोल देना चाहिए तो मैं बच जाऊंगा।
वो उनको बोलने ही वाला होता है, कहता है आप तो सब जानने वाली हो, प्लीज मेरी रक्षा करो, नहीं तो मुझे यहाँ पे राजा जेल में सजा दे देगा, मुझे मृत्यु ना मिल जाए, मृत्यु की सजा ना मिले। तो वो उस तरह बोल ही रहा होता है कि उसकी परछाई दिखाई देती है जमीन पर, जो कि स्त्री माता बनी हुई आई थी उसके सामने। तो उससे सत्संग की बात याद आ जाती है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। तो ये सुनकर उसको सत्संग की बात याद आती है, तो तुरंत बोल लेता है कि ये तो इंसान है, ये देवी देवता नहीं है, मुझे छलावा देके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से वो बोलता है कि देखिए आप तो माता हैं, आपको तो पता है मैंने चोरी नहीं की है, भगवान तो जानने वाले होते हैं, सब सच मालूम होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, आप प्लीज महाराज को बताइए इस तरह से। तो वो हैरान हो जाता है, महाराज हैरान हो जाता है कि देखिए उसने चोरी नहीं की है, आप खामखाई उस पर इल्जाम लगा रहे हो, और इस तरह से उसे छोड़ देते हैं। तो वो उसके जो सत्संग में सुनी हुई एक बात उसने इतनी अच्छी तरह से पकड़ ली कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, इस तरह से वो बच गया। तो अगर एक बात को अगर हम पकड़ के अपनी लाइफ में उसे लाते हैं, फॉलो करते हैं, और तो उससे हमारा कितना फर्क पड़ता है। इस तरह से वो चोर, उसने सत्संग का शुक्रिया किया, अपनी माँ को समझाया कि हमें सत्संग जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि सत्संग में चोरों की बुराई की जाती है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाता है। तो सत्संग की महिमा है ना अपरंपार। कुछ लोगों पे तो इतना फर्क पड़ता है कि छोटी छोटी बातें सुनकर उसको इतना अप्लाई करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आते हैं। और सत्संग, और ये पर्सनल विद्या का एक्सपीरियंस है कि विद्या को बहुत सपने आते थे, तो विद्या सपने देख के डर जाती थी और रोंगटे खड़े हो जाते थे, कभी कभी तो भगवान जी के भी दर्शन हो जाते थे तो डर जाती थी, और ऐसा बोलती थी कि प्लीज भगवान जी विद्या को आपको देखने की शक्ति नहीं है, आप सपनों में ना आए। और लिटरली अभी इस तरह से हुआ है कि अगर विद्या को भगवान सपने में दिखते भी है ना, तो वो अब डरती नहीं है। तो वो किस सत्संग सुनने की वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके लिए जितना हो सके विद्या तहे दिल से सत्संग के लिए शुक्रिया करेगी रीना माता जी को, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये शक्ति कहते हैं भगवान को देखने के लिए भी हमारे अंदर उसको सहन करने की शक्ति चाहिए, और वो हमें कौन देते हैं, गुरु देते हैं। बोलते हैं ना गुरु वाक्यम सत्यम, और गुरु ही एक रास्ता है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत फर्क दिखा है विद्या को अपने अंदर। कभी भी विद्या ने ये बात किसी के आगे नहीं बोली, आज पहली बार आपने बोला था ना कि आपको जो भी बोलना है सत्संग में बोले, तो ये विद्या ने फर्स्ट टाइम ये बात स्वीकार की है कि ये देखने की शक्ति जो आई है ना विद्या को, तो वो सत्संग से ही आई है। तो सत्संग की महिमा तो विद्या के लिए बहुत बहुत अपरंपार है। और थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ा लंबा हो गया।